फ्री दवाइयां जाके ले लो। फोटो तुस ले ललित भाई, चलो ललित भाई ललित। दवाई देने ना खांसी बढ़ाओ तुस पकड़ो ना जिमी जी अपने साहिल जी तुस पकड़ी दे दियो आगे तुस थोड़ा जा इत्थे थोड़ा जा पीछे। मोदी साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों के महीने में हर गरीब आदमी को तो ब्लड के अंदर दवाइयाँ दे रहे हैं और सब वो जो हिंदू मुसलमान परवरिश कर रहे हैं ये देखो दवाइयाँ दे रहे हैं बहुत सब कोई बोलता है या इतनी सरकारें हैं आज तक किसी ने नहीं पूछा कि क्या करना है क्या नहीं करना। मालूम करना के महीने के अंदर देखो कि मोदी साहब ने हर गरीब को दवाइयाँ पहुँचाई हैं उनकी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये देखो गरीब आदमी की हर कौम के काम आते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छे नहीं हमें उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और इसलिए गरीब के दुख दर्द के अंदर मोदी साहब पहुंच रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता हूं। अब तो नहीं मैं कौन बुनौला रहने वाला कौन कुनिया के अंदर रहता हूं मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं डीसी साहब का और एसएसपी पहुंच का हूं कि ऐसे लोगों के दुख दर्द के अंदर पहुँचते हैं और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ललित भाई ललित। जिस तरह से भाजपा की तरफ से आज मेडिकल कैंप पूंछ में लगाया गया तो उसको लेकर क्या किया? सबसे बड़ी बात हम पहले इसकी मुबारकबाद देते हैं कि जो इसका आयोजन हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया हुआ है उसमें उन्होंने हर वर्ग के लिए ये सोचा हुआ है कि ये जो सबसे बड़ा पवित्र महीना है रमज़ान का इसके लिए हम लोगों को जो इसमें परेशानी आती है बीमारी आती है जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते उसके लिए एक युवा मोर्चा की तरफ से एक फ्री कैंप लगाया गया हुआ है जिसमें हर एक पीड़ित आदमी जिसको हर तरीके से फ्री मेडिकल कैंप लगा के युवा मोर्चा की तरफ से उसको फैसिलिटेट किया गया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हर घर में हर परेशानी जो हो हर मतलब मंडल स्थल पे भी हमारी टीम काम कर रही है। इस वक्त हमारा सफाई अभियान भी चल रहा है और साथ में इस पवित्र महीने में हमने मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये काम किया हुआ है हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जितनी भी गरीब माँ की खिदमत की जाए उतनी भी कम है। हमने एक प्रयास किया हुआ है और उसी कड़ी को आगे जोड़ के हम अपने लोगों की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो मंशूर है उसको एक हर घर में एक अपनी फैसिलिटी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले
मैं आपके अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप देखें 2014 के बाद जब से हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी आए हैं, लोगों के लिए कितनी स्कीमें, ना जाने सैकड़ों के हिसाब से जो है स्कीमें जो है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो लाई हैं। आज ये 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है। वैसे तो ये धार्मिक महीना है, इसमें नवरात्र भी आए और रमजान का जो है महीना ये चल रहा है। इस पवित्र महीने के अनुसार हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो है ये सेवा पखवाड़ा की तरफ से ये जो है पूरा सेवा का महीना जो है, ये जो धार्मिक महीना है, इसमें नवरात्र भी आए हैं और इसी महीने में आप देखें इस वक्त रमजान का जो महीना चल रहा है, इसके अंतर्गत ये लोगों को फ्री दवाइयां, जहां पर कोई स्मारक है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, कहीं भी कोई गंदगी है, उस सबको दूर करने के लिए सभी लोग इकट्ठे होकर के देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी के साथ शाना मिशाना खड़े हैं। और लोग भी ये फैसला कर चुके हैं कि जितने भी हमारे जितने समर्थक हैं, हम सब मिलजुल करके एक दूसरे की सेवा के लिए खड़े हैं। आज पुंछ के अंदर एक किला मुबारक के पास एक फ्री डोनेशन कैंप जो है भारतीय युवा मोर्चा की तरफ की टीम से ये यहाँ पर एक लगाया गया, जिसमें सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने यहाँ पर आकर के फ्री दवाइयाँ जो है ली है। और आयुर्वेद का जो है ये बहुत बड़ा यहाँ पर आयुर्वेद की तरफ से यहाँ पर दवाइयाँ दी गई है। मैं एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ और लोगों की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ, जिनको इस रमजान के महीने में और इस पवित्र महीने में जो है नवरात्रों का महीना भी हुआ और रमजान भी हुआ, उसके बाद ईद होगी, हम सब मिलजुल करके इस देश का भला करना चाहते हैं और आम जनमानस की जो है सेवा करना चाहते हैं। जय जय भारत। दवाई देने ना खांसी नहीं बढ़ाओ, तुम पकड़ो ना जिमी जी अपने।